वही गर्मी के दस्तक देते ही उत्तराखंड में पानी की समस्या विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। साथ ही पेयजल के अलावा कई किसानों की फसलों की सिंचाई भी के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 1720 ट्यूबवेल से लगभग 308 ट्यूबवेल का मैदानी और तराई क्षेत्रों सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है और विभाग की यह कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष के या उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे 382 के लगभग जो है लिफ्ट स्कीमें हैं, लिफ्ट बेसिकली पहाड़ों में है, तो वो भी हमारी फंक्शनल है उसमें। तो इसमें से जो ट्यूबवेल्स है 1720 में, करीबन 308 के आसपास ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो हल्द्वानी में है, कोटद्वार में है, देहरादून में है, इन तराई वाले और भावर वाले प्लेन वाले एरिया में, वो पेयजल के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। उसमें पेयजल और इरिगेशन दोनों ही रहते हैं, ताकि जो है समय पर, और वो हमेशा ही पेयजल भी देते हैं, उनके टाइम फिक्स हैं, इतने घंटे पेयजल देंगे और इतने घंटे इरिगेशन के लिए देंगे। इसके अलावा जो बाकी ट्यूबवेल्स हैं बचते हैं, वो सारे सिंचाई के लिए होते हैं। सिंचाई में भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कोई मान लो पेयजल की दिक्कत होती है, तो उसका उपयोग काश्तकार अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं।